तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड में गोल्डन जुगली फिल्मों से सम्मानित फैमिली एंड एंटरटेनमेंट फिल्म निर्माता जिन्होंने इंडिया सिनेमा को हर दौर के मुताबिक आज की जनरेशन हो या फिर आने वाली जनरेशन, सभी के लिए एक से बढ़कर एक फैमिली एंड हिट फिल्में दी है जो आने वाले टाइम में 100 सालों से याद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सूरज बारजेटिया की, जिनके फिल्म बच्चे बूढ़े जवान हर किसी को पसंद आते हैं, जिनमें से मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह और एक ऐसी फिल्म जो आज की जनरेशन की दिल के बहुत करीब है, प्रेम रतन धन पायो। और इतनी ज़बरदस्त और आइकॉनिक फिल्म को बनाने के बाद ये एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे बड़ा मेगा स्टार सलमान खान के साथ मिलकर पूरे इंडिया के ऊपर राज करने आ रहे हैं अपनी एक और ज़बरदस्त फिल्म लेकर। तो आखिर क्या कहा सूरज सर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर? तो दोस्तों, फिल्म निर्माता सूरज सर की ये रिकॉर्ड रहा कि वो हमेशा ऐसा फिल्म बनाता है कि आप अपना पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं और इनके फिल्म में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और आपने इनकी फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि इनके फिल्म एक अलग तरीका की कलरफुल सिनेमा दिखाती है, जो आज की दौर में रहकर भी इनकी 30 साल पुरानी फिल्मों को आज भी एकदम नया महसूस कराती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्होंने ही सबसे पहले सलमान खान को प्रेम की किरदार में फैंस के बीच उतारा था, जो फैंस को आज भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जो सलमान खान को प्रेम की किरदार में फिर से देखने के लिए बेकरार रहते हैं, तो हो जाए तैयार, क्योंकि सूरज सर ने हाल ही में अपनी इंटरव्यू के दौरान ये अनाउंसमेंट किए कि वो अगले साल सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें फिर एक बार सलमान खान प्रेम की किरदार में एक अलग अंदाज में नज़र आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जब से सलमान खान रश्मिका मंदाना के साथ नज़र आए हैं, तब से सबका कहना है कि शायद सलमान खान और रश्मिका मंदाना एक साथ देखने को मिल जाए। वही खबर ये भी है कि सलमान खान किसी का भाई किसी का जान फिल्म में पूजा हेगड़े के साथ नज़र आने वाले हैं। और जिस तरह से सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो क्या पता अगले फिल्म में भी वो उन्हीं के साथ नज़र आने वाले हैं या फिर इन दोनों के साथ नज़र आ जाए। अब वो तो आने वाले टाइम ही बताएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप कितने एक्साइट हैं सलमान खान को फिर से एक बार सूरज बारजेटिया की फिल्म में देखने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।